बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला जी सब बहन भाइयों को हमेशा सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और हर दुख तकलीफ परेशानी से हर किसी को महफूज रखे। तो करते हैं जी आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कुछ जो है सुबह सुबह का टाइम है। अभी तलावा शराबा नमाज शमाज पढ़ के आती हूँ, तो अभी आई हूँ किचन में। तो फटोफट बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, आज है जी सैटरडे, तो रात को भी बच्चों को ना ठीक तरह से खाना नहीं बना के दिया। फिर उसके बाद डॉक्टर को घर बुलवाया, मेडिसिन ली है। तो अभी ये सारी चीज़ें जो भी सीन बनता अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। ये दूध गर्म करके मैं रात को काल के रख लेती हूँ फ्रीज में। फिर ना मलाई सुबह आसान होती है निकालना नहीं इधर से, वरना ऊपर मलाई हो तो फिर भी बच्चे मेरा बच्चे चाय नहीं पीते, बातें करनी होती हैं उन्होंने, तो इसलिए निकाल लूँ। फिर मक्खन बन जाता है, फिर पराठे वगैरह मक्खन के बना लेती हूँ। तो एक सिस्टर मेरी ने कहा था किस तरह फ्रेश फ्रेश सिस्टर इसकी भी रेसिपी घी की मक्खन की बनाओ किसी दिन, वो भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊंगी। जब मलाई जमा कर रही हूँ तीन चार दिन के बाद बनाऊंगी या दो दिन के बाद। तो अभी जो इस तरह दूध काट के रख लेती हूँ ना, ज़्यादा दूध तो मैंने नहीं सब्जी के दिन ही मैं बना सकूँ, इसलिए फ्रिज में ऊपर फ्रीज कर लेती हूँ। फिर स्मेल वगैरह नहीं आती तो बिल्कुल खट्टा भी नहीं मक्खन होता, तो इसलिए फिर घी ऊपर नहीं रहता। वाली मलाई उतनी कवर करके फ्रिज में रखती हूँ, उतनी देर दूध में इधर डाल लेती हूँ बर्तन में, इधर बनानी स्टार्ट करती हूँ। इसमें लाना मेरा है ये रात को समीर बेटे ने, मैंने कहा मेरी पुलिया खराब है ना बेटा जी, आप खुद ही साला डाल लो, उसने चूल्हे पे भी उसने गिर गया है। ये पहले सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ, फिर बाद में ये सारी चीज़ें साफ करूँगी। और यार मैं सुबह सुबह उठी नमाज पढ़ के हटी हूँ, फिर मेरे अबू जी और सिस्टर मेरा और भाई अली की याद आ रही थी, क्योंकि उन्होंने जाना नंबरे पे, तो वो अबू जी तो हमें मिल गए थे। सिस्टर मेरा को जब मामा के पापा इधर ही थे उधर ही मिलने के लिए गए थे उस वक्त ही, डेली बच्चों के साथ नहीं जाया जाता, अकेली होती हूँ इसलिए। तो अभी इस तरह की खुशियों में ना अगर इंसान शरीर तो दुख भी होता है, वो इंसान कर भी कुछ नहीं सकता। और ज़्यादा झटका मेरा समीर और कबीर का दो दफ़ा का जो मसला बना है, कबीर का एक्सीडेंट हुआ और समीर बेटे को चोट लगी है, करना तो जो होता है अल्लाह पाक ने होता है। फिर भी लोगों की बातें होती हैं कि दो दफ़ा आप अपने मिट्टी में गई हैं, उधर से ये मसला बन गया, अब दोबारा जाएं ना, तो इंसान किसी का मुंह तो पकड़ नहीं सकता। तो इसलिए उनको मैंने कहा है कि अब मैं बाहर में ही आऊँगी, मामा के पापा जब घर आ जाएंगे तब। तो जी वैसे सबर करना पड़ेगा, फिर सिस्टर मेरा को और भाई दीदी को भी कहा है, तो अभी सारे काम होंगे। और अभी चीनी खत्म हो गई, दही में जो डाल रखी हूँ ये दाल पड़ी है थोड़ी सी, यही गर्म कर दूँगी बच्चों के नाश्ते में, और शाम में अचार हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, यही नाश्ते में दूंगी।
के चीनी बाल्टी से चीनी डाल दी, चीनी कम ना हो ताकि सिंपल सादा था हमारा नाश्ता होता है, चटनी वाला नहीं होता हैवी जब कुछ भी इस तरह ही। बस जी अल्लाह पाक शुक्र है अल्लाह पाक का, ये भी इतना भी दिखा हुआ है। अभी साथ में बाल्टी उठानी है और आटा गूंदना है। साथ साथ मैंने काम ये करना है कि ये मैंने ना मक्खन घी गर्म करके माशाल्लाह जी माशाल्लाह रखा हुआ है, इससे लस्सी निकालनी है तो दोबारा गर्म करके इसी बर्तन में डालना है, क्योंकि फिर आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं, मेहमान के पापा ने पंजीरी वगैरह भी खानी होती है, साथ में बच्चों ने भी, तो उनके लिए मैं पहले इसी तरह तैयार करती रहती हूँ, फिर जब उन्होंने खानी हो उनका दूध चाहिए तो बना लेंगे। लस्सी मैंने निकाल ली है, ये खालिस घी बिल्कुल, बाकी जो थोड़ी बहुत लस्सी इसके साथ लगी हुई जब गर्म करूँगी पकाऊंगी इसे तो फिर वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये घर का फ्रेश घी होता है, किसी किस्म की कोई मिलावट कोई चीज़ नहीं होती इसमें, तो जब मैं गर्म करूँगी तब भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। अभी पहले मैंने गूंदना आटा तो चाय बनानी है, साथ साथ बच्चों के लिए नाश्ता, उनकी यूनिफॉर्म भी अभी प्रेस करनी है, ये सारे काम सुबह सुबह स्पीड लग जाती है। अगर मेरी तबीयत ठीक हो फिर तो मैं शाम को ही सारा काम कर लेती हूँ, अगर ना ठीक हो तो सुबह 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 उठ के नमाज नमूज पढ़ती हूँ, इंसान का कोई दिमाग ना ठीक हो कर चाय को चेक करती हूँ, पानी चाय वाला पुआ और पेनों वगैरह धो लेती हूँ। प्यास लग गई सुबह सुबह, बैठती हूँ पानी पी लेती हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह का शुक्र है, अभी बुखार की वजह से सुबह सुबह ना फिर प्यास लग गई। कैमरा देखते हैं कि किस तरह ये घी बनाया जा क्या किया, ये लस्सी बाकी निकाली थी थोड़ी बहुत, इसमें लस्सी जो है ये इस तरह पकेगी और लस्सी इसमें से सड़ जाएगी, अकेला घी बचेगा बिल्कुल देसी घी जिसे बोलते हैं। अभी ये पकना शुरू हो गया, साथ में चाय कहाँ तक पहुँची है, मैं
जी बेटा जनाजे का आंदा पिया। चलो मैं सुन दी फिर जी। कबीर बेटा बाहर से उठ के आया, मम्मा जी जनाजे का ऐलान हो रहा है, अल्लाह खैर करे जी। थोड़ी सी आवाज हल्की करके बाहर से सुनती हूँ जाके। मेरा की चाय बन गई है, दूध पे पतील बन होती बिल्कुल छंगना दे देता है। तो मैं चला जी लस्सी दे, देखो इस तरह जलनी शुरू हो गई है। घी इस तरह अच्छी तरह पकाएं तो लस्सी फट जाती है, फिर अकेला घी देता है। अभी और उसे निकालना है, जे अचार वाली पुरानी बाल्टी पड़ी है, सारी चीज़ें ये भी साफ करनी है। कुछ कल सकाई थी कुछ चीज़ें, तो आज जो रहती हैं वो भी सका के ये सारी किचन फिर साफ करूँगी। काफ़ी गंदी हो चुकी है, ये ना ठीक होने की वजह से अब ये सारी करूँगी साफ। मैंने रहा मेरी चाय भी बन चुकी है जी, इधर वो प्याली में डाली जी, घी भी माशाल्लाह जी पक चुका है जी, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई लस्सी नहीं है। ये पोनी मैंने ली है जी, इसमें थोड़ा सा घी पहले मैंने डाला हुआ है, इसमें डालती हूँ जी। पोनी इस तरह पकड़नी पड़ेगी, गिर ना जाए, लेकिन मोबाइल लगा लूँ स्टैंड पे, इस तरह नहीं होगा। ये कोला गर्म है जी, इसकी मदद से, क्योंकि जो बच्चों ने खाना होगा वो खा लेंगे, और जो बच गया फिर इसकी पिटली वगैरह बना लेंगे, जो इनके पापा ने खाना होगा वो भी खा लेंगे, क्योंकि मैं खुद तो पकती नहीं हूँ, चाय पीती हूँ सिर्फ। बिस्मिल्लाह जी, इस तरह अच्छी तरह पका के डालें तो फिर खराब भी नहीं होता, जितनी देर की जैसी मर्जी पड़ा रहे। क्योंकि ये काम भी मेरा सुबह सुबह फिनिश हो गया, वरना सारा दिन लेके मैंने बैठी रहना था। मैंने कहा साथ साथ वीडियो भी मेरे पास कोई नहीं, वो भी बन जाए, ये वाला काम भी हो जाएगा, और फटोफट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पोनी की मदद से जो लस्सी सड़ी हुई बिल्कुल निकाल ली, पुन ली, ये है जी बिल्कुल खालिस घी। ये माशाल्लाह जी, माशाल्लाह देसी घी तैयार हो गया हमारा, अल्लाह ताला नजरे बाद से बचाए। तो इसे ऊपर से कवर करती हूँ, रखती हूँ साइड पे, ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि आटा भी गूंदना है, चाय पीनी है, ये काम मैंने फटोफट करने हैं। तो अगर किसी बहन भाई का दिल करे खाने को, वो भी हमारे साथ खा सकते हैं। अभी इधर से खानी है मेडिसन, तो ये खाती हूँ, चाय पीती हूँ, आटा गूंदती हूँ बच्चों के लिए, बाकी जो भी नाश्ता तैयार करना वो करती हूँ। फिर उसमें बेटा आप भी चाय पी लो। रहमान रहीम जी, एक रोटी बना ली है जो बच्चों ने, बस दो दो भोरे हैं, आ गए हो। चलो फिर खाना बन गया थोड़े वास्ते, पराठा ते ऐसे बैठ के जेड़ा पूरा खाना खाओ। पराठा थोड़ा दोनों भैन भरावां दा ते भैन भी खा ले ते भरा भी, हां दाल भी थोनू रख दित्ती है ते मामा तू कहना खाना चाय ना खानी है जां किस तरह खाना के दाल नहीं अंडा ते हुण मुर्गियां रखांगे ते फेर ही लभना ते इस टाइम नहीं लभना जी। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਕੀ ਗਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਲੰਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਜੇ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਫਟੋਫਟ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰਮਨ ਰਹਿਮ ਜੀ ਬੱਚੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਲੰਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆ ਅੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਥ ਅਚਾਰ ਹੀ ਦਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਟਿਫਿਨ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ
अपनी रोटी मैंने और समीर ने अपनी इधर रख ली है, क्योंकि पहले बच्चों की तैयारी करके उनको स्कूल भेज दूँ। तो उसके बाद ये मेहमान और कबीर ने जैसे रोटी खाई है बस दो भोरे। कबीर है ये पकड़ो लंच अपना, इधर ही रह जाएगा। पानी वाली बोतल भी कल आपकी घर ही रह गई थी, कि बैग में डालो अपने और मेहमा के बैग में। वो हैं इधर क्यों पड़े रहने दूं, क्या मसला है? हैं मेहमान आई नहीं अभी, पखे का सोच कितने सिटी आया, सारा बेच पानी पै गया, हम शार्ट पेगी हूँ।